नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और आप सभी के लिए ईश्वर से कामना प्रार्थना है, खुशी आपके जीवन में बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ में आज के इस वीडियो में आप सभी के सपनों के फल के साथ में फिर से हाजिर हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं सपने में बरगद का पेड़ देखना। मित्रों, यदि आप भी सपने में बरगद का पेड़ देखते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका देखना ये आपके जीवन में खुशी होने का संकेत है। दोस्तों, अगर आपने सपने में देखा है बरगद का पेड़ तो कोई आपके जीवन से दुख जाने वाला है। बरगद की परिक्रमा करते हुए अगर आप देख रहे हैं तो दोस्तों ये आपकी अधूरी मनोकामना पूरी होने का भी संकेत देता है। बरगद के पेड़ की पूजा पाठ करना, ये धार्मिक कृत्य में आपको सम्मिलित होना तथा खुशी प्राप्त होने का और धर्म के कार्य में समय व्यतीत होने का संकेत माना जाता है। अगर आपने देखा है सपने में बरगद के पेड़ की जड़ें तो दोस्तों ये आपके लिए कोई बाधा थी तो वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगी और आपका काम मजबूत होगा। अगर लगाते हुए देखा है तो भी शुभ माना जाता है, सफलता प्राप्त होने का संकेत है। पूजा करते हुए देखा तो दोस्तों ये आपके जीवन में खुशियाँ आने का संकेत है। बरगद का पेड़ के नीचे बैठना तो दोस्तों जल्द ही सफलता प्राप्त होने का संकेत माना जाता है। अगर आपने बरगद का पेड़ देखा तो बहुत ही शुभ है, परंतु गिरते हुए देखा या सूखा पेड़ तो यह शुभ माना जाता है। दोस्तों ये संकट परेशानी होने का भी संकेत है। अगर आप इस तरह का सपना देखें तो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शिव का 11 बार 21 बार जितना आपसे हो नाम ले लीजिए। भगवान शंकर के मंदिर में या हो सके तो जलाभिषेक कर दें और उनका नाम ले लें। भगवान शंकर इस वट वृक्ष के नीचे विराजमान रहते हैं तो हर तरह से शुभ कार्य, आपका जीवन कल्याणमय होगा। तो दोस्तों ये था सपने में बरगद का पेड़ देखना। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहे मेरे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।